ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में प्याज की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों के पसीने निकालना शुरू कर दिए हैं। होटल ढाबों में सलाद की प्लेटों से प्याज गायब हो चुका है। घरों में गृहणियां सब्जियों में प्याज डालने से कतरा रही हैं, क्योंकि प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से घर का सारा बजट ही गड़बड़ा रहा है। लोग सब्जी खरीदें या प्याज, ये उनकी समझ से बाहर हो चला है। एक तरफ जहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं महंगाई भी अब चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में प्याज ने सब्जियों का स्वाद भी बिगाड़ दिया है। सोलन में प्याज की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों के पसीने निकालने आरंभ कर दिए हैं। होटलों ढाबों में सलाद की प्लेटों में प्याज गायब हो चला है। घरों में गृहणियां सब्जियों में प्याज डालने से कतरा रही हैं, क्योंकि प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से घर का सारा बजट गड़बड़ा रहा है। लोग सब्जी खरीदें या प्याज, ये उनकी समझ के बाहर हो चुका है। एक तरफ जहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में प्याज ने सब्जियों का स्वाद ही बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि लोग लहसुन का तड़का लगाकर ही गुजारा कर रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि प्याज के दाम अब आसमान को छूने लगे हैं। जो प्याज 50 रुपए किलो था, उसके दाम अब बढ़ चढ़कर 100 से 120 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। उनके पास ग्राहक अब प्याज बेहद कम खरीद रहा है। जो ग्राहक पहले 2 किलो प्याज खरीदता था, अब वे केवल 250 ग्राम से ही संतुष्टि कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार में ग्राहक छोटे छोटे प्याज को खरीदना चाहता है, लेकिन बाजार में बड़ा अफगानी प्याज बिक रहा है, जिसके चलते उन्हें प्याज बेचने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले समय में उन्हें प्याज बेचना ही बंद करना पड़ सकता है। कि प्याज ने तो बहुत बुरा हाल करा हुआ जी लोगों का। ये कस्टमर खड़े हैं अभी, इनको 1 किलो प्याज दिया, ये अफगानिस्तान से प्याज आया हुआ है, मैं सब प्याज देने वाला, ये अफगानिस्तान का प्याज बेच रहे हैं जी। ये देखिए आप, 300 से 400 ग्राम का एक प्याज है, और कस्टमर की इस टाइम बाइंग कैपेसिटी है ही नहीं प्याज की, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम में ये प्याज के कट्टे मैंने 10-10 किलो की पैकिंग नासिक से बनवाई थी, तो वहाँ 4.5-5 रुपये किलो प्याज था, 3 रुपये किलो भाड़ा होता है, 8 रुपये पड़ गया, 85-88 रुपये कट्टा मुझे याद है कि मेरे को यहाँ पर पहुँच पड़ा था। तो मैंने 100 रुपये कट्टा पूरे शहर में बेचा था, 7800 कट्टा मैंने प्याज का बेचा था, और अपने बनवाए थे 10-10 किलो की पैकिंग। तो इस बार तो ये स्थिति है कि 1 किलो प्याज भी नहीं आ रहा 100 रुपये में, 10 किलो तो बड़ी दूर की बात है। और जितने भी होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स, उनको भी अब काफ़ी काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले सिरका अनियन फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते थे, अब तो उन्होंने भी अनियन सैलेड 100 रुपये प्लेट लगानी स्टार्ट कर दी है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था, तो प्याज की जो कीमत थी वो 65 रुपीज़ थी उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा। एंड आज मुझे 10 दिन हुए हैं, तो 10 दिन के अंदर आज ही की अगर मैं बात करूँ, तो 90 रुपीज़ में प्याज लेके आया हूँ आज। तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि 8-10 दिन के अंदर ही कि यार प्याज रखना ही छोड़ दूँ, मतलब कि इतना ज़्यादा है कि मतलब एक साइड प्याज और एक साइड की सारी सब्जियाँ, मतलब ये है आज का जो प्याज का जो रिस्पांस है। काम के ऊपर असर ऐसा है कि मतलब लोगों की जो डे बाय डे मैं जैसे देखता हूँ, और लोग जैसे प्याज खरीदने आते हैं यहाँ पे, तो मतलब आजकल जो है साइज नॉर्मली साइज है ये प्याज का, तो लोगों का जो रिव्यू है वो ये कहते हैं कि प्याज जो है ये काफ़ी बड़ा है, आप प्लीज़ छोटा रखा करो साइज़, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही है इसमें कि इस वो सोचते हैं कि ये प्याज तड़के में जो है पूरा ना यूज़ हो, आधा ही यूज़ हो। तो मतलब ये रिव्यू है लोगों के, और मतलब और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है प्याज। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 2-4 दिन में कि मतलब प्याज रखना ही बंद कर दूँगा। मतलब आजकल तो ऐसा है जी कि मतलब प्याज जो है 10 रुपये, 10 का दे दो, 20 का दे दो, हार्डली 30 का, आधा किलो, 1 किलो तो कोई लेके नहीं जा रहा है। तो मतलब ज़्यादा 10 का या 20 का या 30 का कर दो भैया, बस इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे पहले लोग कितना लेके जाते थे आपसे? तो मतलब लोग 1-2 किलो, 2 किलो, 1 किलो ले जाते थे, क्योंकि उस टाइम 80-75 मतलब ये रेट रहता था, तो लोगों के लिए मतलब उतना नॉर्मल था। क्योंकि 15-20 दिन से 1 महीने से यही रेट था प्याज का, और अब जो है अब तो 110-120 रुपये बिक रहा है मार्केट के अंदर।